रेडियंस अस्पताल को सील करने की मांग को लेकर नगर सेवक बंटी शेल के अनशन पर बैठे हैं। उनके अनशन का आज तीसरा दिन है, जिनसे बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 के मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर के युवा पार्षद बंटी बाबा शेल के 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। ये मांग लेकर बैठे हैं कि नागपुर के वर्धमान नगर स्थित रेडियंस अस्पताल को सील किया जाए। आज इनका अनशन का तीसरा दिन है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप 3 दिन से लगातार जो है अनशन पर बैठे हो, आपकी मांग जो है अब तक मानी नहीं गई है, तो अनशन कब तक चलता रहेगा? यही है कि जब तक ये जो मांग जो है, ये मेरी मांग नहीं है, संपूर्ण नागपुर वासियों की मांग है, नागपुर के हर युवा की मांग है और नागपुर के हर पीड़ित मरीजों के जो रिश्तेदार है, ये उनकी मांग है कि जब तक ये निजी अस्पताल जो लूट रहे, जो निजी अस्पताल है, जो डकैत बने हुए निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स है, इनके ऊपर में कार्रवाई जब तक महानगर पालिका के माध्यम से होगी नहीं, और ये जो रेडियंस अस्पताल है, ये रेडियंस अस्पताल की जो बहुत सारी जो शिकायतें जो है, शिकायतें शासन प्रशासन सभी के पास में, और नागपुर के हज़ारों मरीज के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को पता है कि किस प्रकार से व्यवहार उनके साथ में वहाँ पर हुआ है और किस प्रकार से वहाँ पर ट्रीटमेंट जो उनके मरीजों को दी हुई है। तो इसलिए रेडियंस अस्पताल को जब तक सील करेंगे नहीं, तब तक ये अनशन इसी प्रकार से जारी रहेगा। उसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है, जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम लोग, मैं अनशन से तब तक उठूँगा नहीं। सर, लगातार तीसरा दिन आपका है अनशन का, तो इस दौरान महानगर पालिका से कोई अधिकारी या फिर कुछ लेटर आपके पास आया है कि अनशन को फिलहाल समाप्त कर दी जाए, कार्रवाई शुरू है? जी, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा जी का जो लेटर है वो कल महानगर पालिका के 10-15 अधिकारी यहाँ पर लेकर आए थे। मैंने वो अधिकारियों से विनती की कि मैंने खुद आह्वान किया है कि यहाँ पर जो है धारा 144 हर जगह पर नागपुर में लागू है, 5 लोगों के ऊपर आ नहीं सकते, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो उसमें से फिर महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जो वापस भी चले गए थे, 2-3 अधिकारी थे वो, उसमें अशोक पाटिल जी थे सन्माननीय, तो उनके माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा जी का पत्र मिला। वो पत्र मैंने सीधा फाड़कर फेंक दिया, और फाड़कर फेंक दिया, उसके 2 टुकड़े किए मैं, बोला एक टुकड़ा जो है सन्माननीय आयुक्त जी के पास में दीजिए, राधाकृष्णन जी के पास में, और एक टुकड़ा जलज शर्मा जी के पास में दीजिए। कि आप कह रहे हो कि अनशन स्थगित करने के लिए, अगर कोई समझ लीजिए जैसा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की भी पायमल्ली जो है नागपुर शहर में होते रहती। अगर कोई ठेले वाला बेचारा, गोरगरीब ठेले वाला, अगर समझ लो ठेले पर अपनी दुकान अगर लगाता है, तो वहाँ पर बिना चौकसी के, बिना तफ्तीश के आप उसका ठेला उठा लेते हो, है ना? तो आपको तब नियम कायदे जो है, नियम कायदे आप जो है सब आपको ये हो जाते हैं। लेकिन जब ये रेडियंस अस्पताल की इतनी सारी कंप्लेंट्स है, लकड़गंज थाने में निरंतर जो उसकी कंप्लेंट्स गई है, आयुक्त महोदय के पास में, मैंने ही नहीं, मेरे अलावा काफ़ी लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने जो है उनके तक कंप्लेंट गई होगी, उनके व्हाट्सएप पर गया होगा, निवेदन लोगों ने दिया होगा उसके खिलाफ में, लेकिन उसके बाद में भी ये रेडियंस अस्पताल के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं। और वो जो पत्र है, वो पत्र आपने मुझे दिया जलज शर्मा जी के माध्यम से, वो पत्र यहाँ पर आया, और आने के बाद में उसके 2 टुकड़े तो किए मैंने, बोला एक टुकड़ा आयुक्त को दो, एक टुकड़ा जलज शर्मा को दो, अतिरिक्त आयुक्त को, कि उसमें लिखा था कि आप अनशन स्थगित करो, हमारी चौकसी जारी है, मार्च महीने से हम चौकसी कर रहे हैं। भैया, मार्च का अप्रैल हो गया, अप्रैल होने के बाद में मई हो गया, 2 महीने हो गए, और आपको जब पता है, जलज शर्मा को भी पता होगा, आयुक्त को भी पता होगा, पूरे नागपुर वासियों को, सभी को पता है, नागपुर के मरीजों को पता है, उनके रिश्तेदारों को पता है कि किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से एक तांडव, मौत का तांडव ये रेडियंस अस्पताल में शुरू है। रोज 7-7, 8-8 जो है रेशियो, डेथ रेशियो जो है वहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद में भी आप समझ लीजिए आज कितना 60-70 दिनों से अगर इनकी तफ्तीश अगर चालू अगर होंगी, यानी करीब करीब 400 से 450 लोग वहाँ पर डेथ होके वहाँ से लौट कर आए, जो लोग सुधरने के लिए जा रहे। और आपको इसके पहले भी मैंने बताया कि वो जो लिखित मैंने लोगों का कि आपने अगर आपका बिल 4 लाख रुपये भरा नहीं तो मैं ऑक्सीजन निकाल दूंगी, ये डॉक्टर दीपिका पुरे जो रेडियंस अस्पताल की है वो खुद कह रही है। डॉक्टर सुमित बोल रहा है कि भैया क्रिटिकल है, फोन जाता 10:50 को, बोलते मौत हो गई 11:15 बजे, रिश्तेदार जाने के बाद में मुंह पर जो है वो फोटो भी उनके पास में, वो जो रिश्तेदार है दीपक वर्मा जी के, राहुल वर्मा, उनके पास फोटो भी है कि उनकी जब डेथ हुई थी और वहाँ पर डॉक्टर सुमित बोल रहा था कि क्रिटिकल है, तो ये क्या लगा के रखा है? और उसके बाद में जो है पुलिस वालों के साथ में जाने के बाद में डॉक्टर सुमित जो RMO था वहाँ पर, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उसका ये कहना था कि भैया नहीं, डेथ नहीं हुई है, डेथ तो हो गई थी लेकिन कहीं ना कहीं पर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। कौन कहता है? डॉक्टर। सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार से रेडियंस का स्टाफ बर्ताव करता है लोगों के साथ में, कई लोगों की वहाँ पर चोरियाँ भी हुई है, जो भी हो कुछ हुआ होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के ऊपर में शासन प्रशासन का किसी प्रकार से भी ध्यान नहीं है, और सिर्फ ये अभी सिर्फ बातें बोल वचन अभी महानगर पालिका के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त के चालू है कि स्थगित करो, हमारी कार्रवाई चालू है करिए। आपने इसी विषय को लेकर पालक मंत्री नितिन राउत से भी बात की है, आपने ये मांग उनके सामने भी रखी है, उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, क्या उनके निर्देशों का पालन महानगर पालिका कर रही है?
देखिए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन जी राउत जो है इनसे हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में निरंतर उनके अभी भी कॉल आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब हम विभागीय आयुक्त कार्यालय में हम जब गए थे तो विभागीय आयुक्त कार्यालय में नितिन जी राउत जी के माध्यम से ही उन्होंने हमको जो पत्र यानी उन्होंने कहा था कि इसमें जो जो चीज़ें मेंशन करना है आप, क्योंकि उनके पास में भी बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई थी, तो आप डायरेक्ट जाइए विभागीय आयुक्त के पास में। विभागीय आयुक्त से कई बार समय मांगने के बाद में विभागीय आयुक्त समय दे रहे नहीं थे। तो नितिन जी राउत इनके जो स्वीय सहायक है यानी मोहिते जी है और बाकी लोग हैं, वो लोग साथ में आए वहाँ पर पत्र देने के लिए। वहाँ पर विभागीय आयुक्त की तरफ में पत्र भी दिया, वहाँ पर आयुक्त महोदय भी थे, वहाँ सम्माननीय हमारे तब हम जब गए तो वहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोली जी थे, विकास ठाकरे जी थे, विधायक अभिजीत पंजारी जी थे। तो विकास ठाकरे जी ने तब जो है आयुक्त को कहा कि मैंने तो 15 दिन पहले जो है, जैसा उस दिन भी मैंने आपको बताया कि 15 दिन पहले हमने आपको एक लेटर दिया था, उसके ऊपर भी आज तक आपने अस्पताल के ऊपर में कार्रवाई की नहीं। तो उसी प्रकार से जो है पालक मंत्री जी का भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर ये आयुक्त बोलिए या फिर महानगर पालिका का जो प्रशासन है, महानगर पालिका का प्रशासन ये सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पालक मंत्री जी जो है पालक मंत्री जी पूरी ईमानदारी से उनका काम करना भी चाहते, कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर महानगर पालिका के माध्यम से जो है पालक मंत्री जी के भी जो निर्देश है वो निर्देशों का पालन महानगर पालिका नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। नागपुर में ऐसे कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों की लूट कर रहे हैं, वहाँ पे कई लोगों की डेथ भी हुई होगी, लेकिन आप सिर्फ रेडियंस अस्पताल के पीछे ही क्यों लगे, वाई स्पेसिफिक रेडियंस अस्पताल ही क्यों, बाकी अस्पतालों के बारे में आप क्यों नहीं कह रहे कि उनको भी सील किया जाए, जैसे कि कई वीडियोस फिलहाल वायरल हुए अलग अलग हॉस्पिटल के, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे। देखिए कैसा रहता है कि मांग हमारी क्या है, मांग हमारी है रेडियंस अस्पताल को सील करो, जितने भी निजी अस्पताल है जो लूट मचा रहे हैं उनको भी सील करो। फिर उसमें अभी कल एक पत्रकार के माध्यम से मुझे पता लगा कि वीडियो के माध्यम से मुझे पता लगा कि एक राजेश सिंगानिया जी करके है वो विम्स हॉस्पिटल वाले, तो उनका भी मामला जो आगे आया तो वो तो सीधा कह रहे हैं कि भैया 7 लाख रुपए, 6 दिन में 7 लाख रुपए बिल निकाला हुआ था एक किशोर साहगावकर, जहाँ तक उनका सरनेम उनका लड़का राजेश साहगावकर जो है वहाँ पर उनसे बिल मांगने के लिए, दूसरे दिन जब डिस्चार्ज हो गए, 70 साल के उनके पिताजी थे, डिस्चार्ज होने के बाद में वो बिल मांगने के लिए गया तो मुझे बिल दीजिए, मुझे क्लेम करना है ना, बायबैक मुझे करना है वो पैसे। तो उनका ये कहना था कि भैया 50,000 रुपये मैं आपको 50,000 का बिल दूंगा, और बाकी उनका ये कहना था किसका, राजेश सिंगानिया जी का, वो वीडियो भी पत्रकार के पास में है, उनका ये कहना था कि भैया न्यू एरा और किंग्स वे, आपने इसी जैसा भी प्रश्न पूछा कि बाकी अस्पतालों के विरोध में क्यों नहीं कर रहे, भैया जितने भी लूटने वाले अस्पताल है वो पूरी तरीके से सील होना चाहिए, वो पूरी तरीके से सील होना चाहिए, वो अलग बात होगी। अगर जो है हम जो है पहले देव मानते थे, भगवान मानते थे डॉक्टर्स को, लेकिन ये कुछ लूटने वाले डॉक्टर्स की वजह से ये नगद्य हो गए, नगद्य हो, इनको नकदी चाहिए अभी। तो इसलिए महानगर पालिका ने ये म न पा, ये महानगर पालिका न रहते हुए ये मला नकदी पाहिजे, ये जितने भी आपके अतिरिक्त आयुक्त तो होंगे या कोई जो कुछ बड़ा अधिकारी होगा जो 4-4, 5-5 लाख रुपए जिनकी पेमेंट होगी महानगर पालिका, ये सारे के सारे बड़े अधिकारी का कहीं ना कहीं पर ये साठगांठ है। ऑडिटर्स जगह पर नहीं बैठ रहे हैं तो जहां पर भी ये ऑडिटर्स ने साठगांठ करके रखी होगी, और जितने भी लूटने वाले अस्पताल है ये सारे अस्पतालों को बैन करना चाहिए, सील करना चाहिए रेडियंस के साथ साथ में। आपने एक मूवमेंट फिलहाल चलाया है कि जो जनता है वो आपके समर्थन में जो है वो आए और 6 घंटे का अनशन करे, वो भी तो कैसा प्रतिसाद जो है आपको मिल रहा है उसका? नहीं, ये इसमें प्रतिसाद तो जबरदस्त है, लेकिन प्रतिसाद जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी नागपुरवासियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि मैं मेरे अनशन स्थल पर आप कृपया करके मत आइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आएंगे तो हो सकता है कि एक धारा 144 के माध्यम से आपके ऊपर में भी कार्रवाई होगी। और ये जो है ये अनशन पब्लिसिटी वाला अनशन नहीं है, ये अनशन जो है पब्लिसिटी वाला अनशन नहीं है। यहाँ पर जो है मैं बस इतनी विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, मेरे साथ में जो भी होगा मैं देख लूँगा मुझे मेरे साथ में क्या हो सकता है। तो और मुझे इतना पता है कि सभी नागपुरवासियों का आशीर्वाद है हमारे साथ में, सभी नागपुरी वासियों का आशीर्वाद है, सबकी दुआ है। जिस प्रकार से हम 44 दिन से निरंतर जो है मेयो मेडिकल में हम लोग जो है लोगों को खाने को भोजन दान के जो कर रहे हैं, औषधि दान जो है लोगों की मदद के माध्यम से औषधि दान भी जो शुरू है, तो लोगों की ये सारी लोगों की दुआ है नागपुर वासियों की कि आने वाले समय में बोलिए या कभी भी बोलिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा, क्योंकि इतनी सारी लोगों की दुआ सभी नागपुर SOS की टीम को लोगों से मिली हुई है। और ये एक जो मुद्दा है यानी सील अस्पताल जो लूटने वाले अस्पतालों को सील करने का, तो जब तक ये सील हो गई नहीं तब तक तो हम लोग अनशन पे उठने नहीं वाले। और नागपुर वासियों को फिर से आपके माध्यम से आह्वान है कि आप लोग कृपया करके यहाँ पर मत आइए और आप अपने घर पर रहिए, घर पर रहकर आप ये निजी अस्पतालों का, आप जो लूटने वाले निजी अस्पताल है इनको आप विरोध प्रदर्शन का आप कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, आप डायरेक्ट आयुक्त को फोन लगाओ, आयुक्त को कंटिन्यू मेल करो, आयुक्त को जो है कंटिन्यू मैसेज करो, सरकार को करो, भले ही सरकार किसी की भी होगी,
वो सरकार का भले ही मैं एक हिस्सा हूँ, मैंने यहाँ पर विधायक का भी चुनाव मध्य नागपुर से मैंने लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, भले ही हमारी कांग्रेस पार्टी आज महाविकास आघाड़ी सरकार का एक हिस्सा है, लेकिन आज जिस तरीके से नागपुर के मरीजों की लूट हुई है, जिस तरीके से नागपुर के मरीज ये मरे है कहीं ना कहीं पर, ये ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि बेड नहीं मिल रहे थे भैया, बेड खाली हुआ, पट से दूसरा गिराई तैयार है, मरीज आने गिराई गए, कस्टमर है, दूसरा गिराई तैयार है भैया, पट से डिपॉजिट पैसे जमा करो, ये क्या लगा के रखा है नागपुर में। हाँ, जबकि आरोग्य विभाग ने, महाराष्ट्र की सरकार ने बताया हुआ है कि किसी भी प्रकार से आपको डिपॉजिट डॉक्टर लोगों को लेना नहीं है, तो महानगर पालिका के अधिकारी सोए हुए हैं क्या? अभी भी सोए है, यानी इतना मौत का तांडव नागपुर शहर में शुरू है। आप अगर घाट पर अगर जाओगे तो घाट पर जलाने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे समय में भी अधिकारी जगह उठ खड़ा नहीं हो रहा, सोया हुआ प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ प्रशासन अभी भी जाग नहीं रहा। तो आप अपने सरकार को भी इसमें ब्लेम करोगे कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में, आपकी सरकार जो है वो इस सरकार में पार्ट, उनका पार्ट है सरकार में, बावजूद इसके जो है वो निजी अस्पताल पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि फेलियर है सर, आपके ही सरकार का फेलियर है जो इतने बड़े पैमाने पर जो है लोगों को लूटा जा रहा है, फिर सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ निर्देश दे के छोड़ दे रही है, सरकार इतना ही काम कर रही है फिलहाल। देखिए, मैं अभी फिर से वो चीज़ें क्या हो जाएगी कि अगर सरकार के विरुद्ध में अगर बोलो, या फिर यहाँ पर जो पिछले 25 साल से 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो राज कर रही है, अगर पार्टी के वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर हमारा जो एक मांग है, ये मांग कहीं ना कहीं पर वो दिशा उसकी भटक जाएगी। इसमें दिशा इसलिए भटक जाएगी कि इसमें मांग हमारी इतनी है कि सरकार कोई भी रहो, महानगर पालिका में पिछले 15 साल से जो भी सत्ता कर रहा हो, और देखिए जिसकी भी गलती होंगी, फिर वो सरकार की गलती रहो या महानगर पालिका में पिछले 15 सालों से जो भी, यानी समझ लीजिए जिनके नेतृत्व में महानगर पालिका काम कर रही हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी रहो, जिनकी भी गलती होगी उनको आने वाले समय में जनता तो उनको जवाब देने ही वाली है। सर, आपको ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए कांग्रेस का एक प्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहा है, जबकि सरकार कांग्रेस, फिलहाल सरकार में कांग्रेस है, बावजूद इसके कांग्रेस का इतना वट नहीं है कि अपने नगर सेवक जो मांग कर रहे हैं उसको फुलफिल कर दिया जाए, ये मांग जो है मुख्यमंत्री के पास लेके चला जाए और जो आप मांग कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए कह दी जाए। सरकार की तरफ से जो कुछ नहीं हो रहा, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा, इंडिविजुअल बंटी छेड़ के ही कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, जितने भी यानी समझ लीजिए वरिष्ठ जितने भी मंत्री होंगे, वरिष्ठ जितने भी अधिकारी ये होंगे, तो उनके साथ में निरंतर जो है मेरा संपर्क वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उनका यही कहना है कि जो भी कार्रवाई करने के जो निर्देश तो ऊपर से उन्होंने दिए हुए है ना, लेकिन बाद में मैं यही कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर कमरे में बैठे हुए जो 4-4, 5-5 लाख रुपये जो अधिकारी जो कमरे में बैठ कर जो पैसे जो गिन रहे होंगे समझ लीजिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है उनके द्वारा ही कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है। अधिकारी सरकार के ही मान रहे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जैसे, पालक मंत्री जैसे लोगों को ही नहीं मान रहे अधिकारी, इतने फिलहाल इतना पावर उनके पास, निष्ठुर हो गए हैं पूरे के पूरे अधिकारी, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है, नकदी उठा रहे हैं सभी अस्पतालों से, जो भी लूटने वाले अस्पताल है, मुझे नियम अपन मंत्रो ना, नियम अपन थे बेटा और ठेन दिले, उसी तरीके से ये काम हो रहा है। और ये जो अधिकारी है, अधिकारियों को भी आने वाले समय में नागपुर की ये जो जनता करदाता जो जनता है, जो जनता को ये अस्पतालों के द्वारा, जो निजी अस्पतालों के द्वारा, जो लूटने वाले अस्पतालों के द्वारा जिस प्रकार से इनको लूटा गया है, आने वाले समय में ये जनता भी है, ये अधिकारियों को बोलो या जो लोगों के नेतृत्व में समझ लीजिए महानगर पालिका काम कर रही है, उनको आने वाले समय में जवाब देने वाली है। तो ये तो थे बंटी शेड के जो तीसरे दिन लगातार अपना अनशन कर रहे हैं कि रेडियंस अस्पताल जो है उसे सील करने की मांग ये कर रहे हैं, वही जब तक रेडियंस अस्पताल पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक सील नहीं होती तब तक ये आंदोलन, ये अनशन जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।